हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू डे नहीं है, ब्रांड न्यू नाइट है, क्योंकि अभी 12:10 हो चुके हैं और रात हो रही है बाहर और आज हमारी एनिवर्सरी है। जैसे मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बोला था कि 0.001 से आपको पूरी एनिवर्सरी जो है साथ में मनाएंगे आपके, तो वही हो रहा है। अभी हम बस गिफ्ट एक्सचेंज करने वाले हैं। हैप्पी एनिवर्सरी बुबू मेरे लिए। अभी खोल लें, इस बैग में क्या है। प्लान ये है कि अभी हम केक कट करेंगे और उसके बाद नेटफ्लिक्स की मूवी जो पॉज की हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्दर डाउन द ब्लॉग आपको पता चली जाएगा कि उस बैग में क्या था और कैसी गुजरती हमारी एनिवर्सरी। फिलहाल केक कट करते हैं। फैन ऑफ किया हुआ है, बुरी हालत हो रही है। हैप्पी एनिवर्सरी तुमको भी। बाय द वे, एक गलती होगी, केक नहीं है, कप केक है, क्योंकि मीठा खाने का इतना ज्यादा दिल नहीं कर रहा था तो हमने कहा एक छोटा सा कप केक ही कट कर लिया जाए। बात तो सिर्फ मुंह मीठा करने की है ना, क्योंकि सेलिब्रेट करना है कि इतने इयर्स गुजर चुके हैं साथ में। हैप्पी एनिवर्सरी बूबू। अब बूबू तो बूबू ही है, बूबू मैं भी हूँ, बूबू बूबू भी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी बूबू। वैसे आज तक बताया नहीं, बूबू भी मुझे प्यार से बूबू ही बोलती है। और अब फाइनली एनिवर्सरी पे नेटफ्लिक्स एंड चिल हो रहा है। ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। आज है हमारी एनिवर्सरी और रात को बस व्लॉग स्टार्ट किया, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते करते कब सो गए पता नहीं चला, क्योंकि गर्मी की इतनी ज्यादा आदत नहीं रही है तो उसकी वजह से जो है वो गर्मी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई। बट एनीवे, रात को जो गिफ्ट एक्सचेंज कर लिए थे हमने, अब एक्चुअली देखना है, उसको अनबॉक्स करना है, देखना है कि बूबू को जो मिकी माउस वाला बैग मिला है क्या वो खाली है या उसके अंदर भी कुछ है और उसका एक्चुअली में गिफ्ट है क्या एनिवर्सरी का, वो भी अभी पता चलेगा। उससे पहले कार्ड्स भी लिखने एक दूसरे के। सरप्राइज तो मोस्टली आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि हमने तो रात को देख लिया था कि हमें क्या मिला है, बट फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग एक दूसरे को कार्ड्स के और एक दूसरे के कार्ड छुपा के लिखते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है एक दूसरे के लिए। मोस्टली कपल्स में क्या होता है कि जब साथ रहते रहते कुछ साल हो जाते हैं तो ये गिफ्ट लेना देना जो है बंद हो जाता है, बट ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप गिफ्ट दोगे एक दूसरे को तो प्यार बढ़ता है, और स्पेशली अगर सरप्राइज का एलिमेंट नहीं भी रहता तो आप गिफ्ट स्टिल दो। कभी कभी होता है कि आप अल्फाज में फीलिंग बयान नहीं कर सकते तो वो जो गिफ्ट हैं वो आपकी फीलिंग बयान कर देते हैं, है ना भैया, है ना भैया, है ना मामा जी, बाबा बाबा या मामा, मामा। ए तू बहुत डिप्लोमेटिक है। आपको पता है एनिवर्सरी क्या होती है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। मैं बताता हूँ, जब मामा बाबा ने साथ रहना शुरू किया था ना, तो जैसे बर्थडे होती है ना, हाँ। उसी तरह एनिवर्सरी भी होती है। हाँ। अब बर्थडे तो आप पैदा होते हो उस दिन को मनाते हैं ना, हाँ। एनिवर्सरी जब मामा बाबा साथ रहना शुरू हुए थे ना, हाँ। उसको जब 1 ईयर कम्प्लीट हो जाता है ना, हाँ। तो तब मनाते हैं। हाँ। तो आज से मामा बाबा साथ रहना शुरू हो गए थे, है ना, तो उसको एनिवर्सरी कहते हैं। इतना तुमने बोरिंग रिएक्शन दिया है, हाँ। जादू है, ऑरेंज पीछे है, हैं? ऑरेंज पीछे, ऑरेंज गाड़ी पीछे है। तो बिया को हमारी एनिवर्सरी की एक्सप्लेनेशन से ज्यादा वो ऑरेंज गाड़ी में इंटरेस्ट आ रही है। जादू जरा, अच्छा इधर आओ, मामा से ज्यादा प्यार है बाबा से? बाबा से, बाबा से ना, हाई फाइव। मामा से ए कितना प्यार है बाबा से? 2 मिनट। और मामा से? 2 मिनट। और दादू से? 2 मिनट। और बेबी ब्रदर से? 2 मिनट। और मेरे से? 2 मिनट। सबसे 2 मिनट? हाँ। 2 मिनट प्यार क्या होता है? प्यार है या नूडल्स है? नूडल्स है। प्यार है। नूडल्स नहीं है? नूडल्स। नूडल्स है। ठहर जाते, तू तू पॉलिटिशियन तो नहीं बनने वाली? नहीं। ए? यहाँ पे मैं अपना कार्ड लिख रहा हूँ और वहाँ पे बुबू छुप के अपना कार्ड लिख रही है। अब इतना सरप्राइज एलिमेंट तो चलता है, ऑब्वियसली उसको पता है कि मैं यहाँ पे कार्ड लिख रहा हूँ। कुछ एक ऐसी चीज़ है जो हम स्पेसिफिकली एक दूसरे के कार्ड पे लिखते हैं, वो मैं कैमरे में शेयर नहीं कर सकता, बट वो जो है वो एक हम लोग की एक स्पेशल काइंड ऑफ चीज़ है और आई होप वो आने वाले ईयर्स में भी चलती रहे। मैं और बुबू अपना अपना कार्ड लिखने में बिजी थे और भैया को देखो नाराज हो गई है। क्या हुआ? बाय तो बारिश है ना? मुझे नहीं जाती। तो ये छोके ना, बाय तो बारिश हो रही है, हम घर में बहुत मजे की चीजें करेंगे, है ना? नहीं। अच्छा, नाराज हो गई हो? हाँ। ओके। मजाक की थी। ए, तो मजाक करी थी? I love you इतना सारा। Mia, what are you doing? I want this. ये स्टिक में लगाना है? हाँ। मैं आज फ्रूट खा रहा हूँ क्योंकि रात को KFC खा रहा है, तो अभी फ्रूट खा रहा हूँ। बिया का वैसे आइडिया सही है क्योंकि उसने वो टीवी पे देखा था, टिकटॉक पे भी देखा था, वो जो कॉर्न कैंडी बनाते हुए स्टिक पे स्टिक हो जाती है, स्टिक पे स्टिक हो जाती है। तो वो वही करने की कोशिश कर रही है। ये लो। वाओ, थैंक यू मम्मा। ये ला लिया? या। ये कॉर्न कैंडी पिंक है, ये भी पिंक है। बिया,
आओ इधर जरा, ये देखो बाबा क्या कर रहे हैं, ये देखो ये कॉटन कैंडी खा रहा था, ये नहीं खा रहा था, ये तो ऐसे किया था मैंने, लुक या बेबी खा लेके, बेबी नहीं खा रहा था, कॉटन कैंडी खा रहा था, ये खा रहा था, लुक ऐसे किया था, ऐसे बेबी खा लेके, नहीं खा रहा था बेबी, ये मां ऐसे नहीं करते, अच्छा सॉरी सॉरी, चलो हां है ना, नहीं खाया, प्रॉमिस नहीं खाया। कभी कभी मजाक महंगा पड़ सकता है। जो भी करो बच्चों के सामने सोच के करो, क्योंकि जैसे ही आप कुछ करते हो बच्चे आपको फौरन फॉलो करने लग जाते हैं। स्पेशली ये शैतान जो है, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती है। अभी लिटरली वो अपना बेबी टॉय जो है वो खा रही है और मुझे बता रही है कि मैं आपको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी कर रही हो तो आपने देखा था, नहीं देखा तो ये वाला व्लॉग देखो। बुबू की कोई खास रेसिपी है जो उसने लास्ट समर भी ट्राई की थी और तब तो शेयर नहीं कर सकते, पर अभी तो शेयर कर सकते हैं। और ये क्या है बुबू? बिया। ओ, ये रात को जब फीडर पी के उठी थी ऐसी लग रही थी ना? नहीं नहीं सुबह। हाँ सुबह। हाँ। बिया जो है आज नाराज है, पता नहीं क्यों नाराज है, शायद बच्चों को वो अंदर से फीलिंग आ जाती है कि माँ बाप जो है वो अपना दिन मना रहे हैं या जो भी है, बट अपना दिन मनाना जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के पीछे लग के अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को तवज्जो दोगे तो आप एक अच्छे पेरेंट बन के बच्चों को एक आइडियल बन के दिखा सकोगे। सो मच ज्ञान है ना, है ना, सी मैं सही कह रहा हूँ, भूभी मुझे बैकअप कर रही है। एनिवर्सरी है आज तो बनता है, हमेशा बनता है, हमेशा बनता है। तो इन मैंगोज में सबसे पहले क्या डाल दी बाबू? ऐसे अच्छा, डबल क्रीम, क्रीम में कुछ डालना नहीं है, खाली बस क्रीम, एंड में शुगर। इसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में अराउंड 30 मिनट्स के लिए। वैसे कोई इतनी खास जो है कॉम्प्लिकेटेड किस्म की रेसिपी तो नहीं है, लेकिन मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगो खाने की डिफरेंट बहाने नजर आ जाते हैं। तो जब तक वो मैंगो का डिजर्ट फ्रिज में पड़ा हुआ ठंडा हो रहा है, आप लोगों को फाइनल दिखा दें कि बूबू के बैग में है क्या। नहीं अभी तक नहीं दिखाया, अब दिखाते हैं कि बूबू के बैग में क्या है और आईपॉड जो है उनको क्या है, एयरपॉड, सॉरी कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा, एयरपॉड जो है उसको अनबॉक्स करते हैं। का एक ड्रेस है, दूसरा ड्रेस है, ये है, ये शर्ट है, कार्डिगन है और स्कार्फ है और ये बैग है बाय इटसेल्फ, क्योंकि आगे हम बहुत सारे ट्रैवल जो है वो प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी काफी काम आएगा, क्योंकि बेबी की चीजें रखने के लिए अलहदा एक बैग चाहिए होता है। बिलीव इट और नॉट, गैजेट से ज्यादा बेबी की चीजें होती हैं। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। थोड़ा सा यार, और क्या है बॉक्स में? चार्जिंग केबल। थोड़ा वॉल्यूम तो ऊंचा कर दो। स्टॉप, कंटेंट क्रिएट करने वाले स्पेशली गर्मियों में जो लोग हैं उनकी स्ट्रगल क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा फैन ऑफ किया है और बुरी हालत हो गई है। बाय द वे अभी मैंने इसको ऐसे ओपन किया और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया आईफोन के साथ, मुझे पता नहीं था। आप लोग सोच रहे हो कि काफ़ी पुरानी बात है और लेकिन अभी मुझे पता चल रही है, क्योंकि अभी मैंने एयरपॉड्स यूज़ करना शुरू किया, पहले मैं हेडफोन्स में इतना ओके। थैंक यू। वाओ, ये वाला ड्रेस है, वाओ जबरदस्त, मैंने भी कार्ड लिया है आपको पता है, पर लिखा क्या वो तो नहीं पता ना। क्या ऐसा क्यों होता है कि जितने मर्जी साल गुजर जाएं, जब ऐसी कोई ओकेजन होती है ऐसा कुछ विश करना एक दूसरे को, तो थोड़ी सी शाइनेस अंदर से रहती है, है ना? तो या हैप्पी एनिवर्सरी। KFC वालों ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया है, बट हम जाके लेके आएंगे, इरादे मजबूत हैं हमारे। अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं कार्ड्स जो हम जो ने एक्सचेंज किए हैं, उसके अंदर क्या लिखा है वो बुबू को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, तो पहले तुम पढ़ो, पहले मैं पढ़ू। विद लव ऑन आवर एनिवर्सरी, जो वो कोट है वो तो नहीं शेयर करूंगा, बट जो कार्ड सेलेक्ट करते हैं उसमें जो लिखा होता है, जो तो इसमें लिखा है, डियर बुबू सो ग्लैड आई एम ऑन द पाथ ऑफ लव विद यू, यू हैव माय हार्ट फॉरएवर। आई एम सो लकी टू शेयर माय लाइफ विद समवन एज वंडरफुल एज यू विद ऑल माय लव ऑन आवर एनिवर्सरी। या तो ये हम हर एनिवर्सरी पे करते हैं, अब इस एनिवर्सरी पे आप लोग साथ, तो आप लोगों के सामने कर लिया। अभी क्या करते हैं कि जल्दी से KFC जाते हैं, इससे पहले कि वो हमारा ऑर्डर फिजिकली भी ना लें और हमारा पचका हो जाए। पचका नहीं करवाना एनिवर्सरी पे, तो पचका बिल्कुल भी नहीं करवाना, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। सही अभी से हो रही है, नहीं आपको नहीं लेके जाना, मैं KFC लेके आता हूँ जल्दी से। ओके नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। क्या अच्छा, चलो 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 चलो, रोते नहीं है, मजाक कर रहा था। तुम्हें पता मजाक क्या होता है? क्या होता है मजाक? मजाक मजाक होता है। अच्छा हाई फाइव तो दे देना।
तो इसी के साथ ही हमारा KFC जो आ चुका है, आ नहीं चुका, हम जाके ला चुके हैं, अब हम खाते हैं एनिवर्सरी का अपना ये मील और एनिवर्सरी को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो बैठ के थोड़ी सी बातें कर लेंगे, पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे कि कैसे मिले, कब मिले, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और अभी इतने सारे जो साल गुजरे हैं उनमें क्या गलत किया बुबू ने और क्या गलत किया मैंने और क्या अच्छा किया मैंने और क्या अच्छा किया बुबू ने। अभी भी न्यू फील होता है, यही तो बात है। मतलब जो अच्छे कपल होंगे उनका हमेशा 10-20 ईयर्स के बाद भी ऐसा ही फील होगा। इसी नोट पे आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो एज ऑलवेज, तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। Like it? Mm. Mm. Mm.